वेलकम बैक टू माई चैनल सविता सिंह ऑल इन वन। तो आज है 30 का नहा खा और मैं अपना मेहंदी लगा रही हूँ। मैं अपना मेहंदी खुद ही लगा लेती हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि मैं राइट हैंड में मेहंदी पार्लर में जाके लगाऊंगी, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि हम दूसरे फ्लैट में शिफ्ट कर गए हैं। तो मेरा जो भी सामान था अनबॉक्सिंग हो रहा था, तो थोड़ा मुझे लगा कि मुझे आने जाने में जितना टाइम लगेगा उतना में मैं खुद से लगा लूँगी रात में। और मैंने रात में मेहंदी 1 बजे मैंने राइट हैंड में भी मेहंदी लगा लिया और उसके बाद मैं सो जाऊंगी। और ये है नेक्स्ट डे 30 के दिन का वीडियो है। और ये सुबह में मैं 3 बजे नारियल पानी पी रही हूँ। मैंने सोचा था कि थोड़ा सा फ्रूट्स खाऊंगी, लेकिन नारियल पानी पीने के बाद ही मेरा पेट पूरा बुरी तरह से भर चुका था। उसके बाद मैंने 2 रसगुल्ले खाए और मेरा सरगी का काम कंप्लीट हो गया। और मैं यहाँ पे अपना मेहंदी दिखा रही हूँ और राइट हैंड में उतना अच्छा नहीं लगा था, फिर भी लाल हो गया तो सब अच्छा ही है। मेहंदी चढ़ जाने के बाद अच्छा ही लगता है। और ये यहाँ पे पूजा की तैयारी हो रही है। और मैं सब काम करने के बाद में लंच डिनर बनाने के बाद में मैं यहाँ नहा वहा के तैयार होकर पूजा का तैयारी कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड को ड्यूटी जाना था, उनको 4 बजे से पहले निकलना था, इसी वजह से मैंने जल्दी जल्दी सब कुछ किया है। क्योंकि जो पार्ट होता है वो मेरे हस्बैंड ही करते हैं। जब से मेरी शादी हुई तब से मेरे हस्बैंड ही करते हैं, क्योंकि किताब में लिखा हुआ है कि या तो पंडित जी के मुंह से आप कथा सुने, या अपने पति के मुंह से सुने, या आप खुद पढ़े। तो अभी तक तो ऐसा मेरे हस्बैंड की ड्यूटी पड़ता है कि पूजा के जो समय होता है उस टाइम वो रहते हैं तो वही पढ़ते हैं। इस बार पूजा जल्दी था, 2 से 3 बजे के बीच में कर लेना था, नहीं तो मतलब उस टाइम अगर शाम को होता तो मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता, तब हम देखते क्या करना है, या तो मैं मंदिर जाती या तो खुद से पढ़ती। लेकिन पता नहीं भगवान सुन लिए, जो सबसे अच्छे से हो गया। यहाँ पे अब आरती हो रही है, कथा पढ़ने के बाद आरती हो रही है और हम आरती कर रहे हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे मूर्ति रखा था शिव पार्वती और गणेश का, वैसे ही हमारा भी रूप था शिव पार्वती और मेरा गन्नू जी। तो गन्नू जी कहीं वीडियो बना रहे हैं साइड में खड़ा होकर, उनको बहुत अच्छा लगता है। और हम आरती यहाँ पे हम शिव जी की आरती करने के बाद पार्वती जी की आरती कर रहे हैं। और थोड़ा पूजा हम लोग जल्दी किए भी हैं, पूजा आराम से किए, तैयारी बहुत जल्दी किए हैं। और मैं अच्छे से अपना दुपट्टा भी नहीं सेट कर पाई हूँ, लेकिन ठीक है, पूजा करना था और इसमें 16 श्रृंगार करना रहता है, मैंने अच्छे से कर लिया, पूजा भी कर लिया। पूजा करने के बाद में, आरती करने के बाद में मैंने थोड़े बहुत शॉर्ट्स वीडियो बनाए, रील्स बनाए और मैंने उसको भी इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया। मैंने बहुत सारे बनाए थे लेकिन मैंने थोड़ा बहुत इसमें ऐड कर दिया। और मेरे हस्बैंड ने पूजा करने के बाद में लंच किए, लंच करने के बाद अपना डिनर लिए, डिनर लेके वो ड्यूटी चले गए। और फिर मेरा जो भी आगे का काम था, क्योंकि चौथ हो जा रहा था, गणेश चतुर्थी तो चौथ हम बोलते हैं, तो उसमें क्या था कि हमें सत्तू छूना था। तो हम मेरी सास मेरे मायके में 30 नहीं होती है, तो जैसे मेरी सासू माँ ने मुझे बताया था वैसे ही मैं करते आ रही हूँ। राजमहलों की दासियां रानियों से ज्यादा खूबसूरत हुआ करती थी, पर रानी बनने के लिए अदाएं नहीं मर्यादाएं होनी चाहिए। तुझ पे बिंदी आज कुछ ज्यादा ही जच रही थी। पूरे जमाने की नजर से भले ही तू बच रही थी, पर हमारी नजर बस वहीं पे अटक रही थी। किसी ने सही कहा है कि बिंदी सब कुछ अटका सकती है, किसी की बात भी और किसी के जज्बात भी। तेरी बिंदी यार। तो
ये है मेरा निरक्षणी साड़ी और हमारा जो सत्तू छूने का विधि होता है इसी साड़ी पे होता है। और मैं शादी की हूँ तब से लेके अभी तक में पूजा और मेरे हस्बैंड की ड्यूटी बहुत अच्छे से मैनेज हो जाती है। इस बार थोड़ा सा लग रहा था कि शाम को पूजा करना है और उनकी 4 बजे से ड्यूटी है तो फिर कैसे होगा, क्योंकि किताब वही पढ़ते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से 4 बजे से पहले पूजा कर लेना था तो इस बार भी हो गया। भगवान आगे भी वैसा ही करेंगे और बहुत अच्छे से हो गया। लेकिन अब लग रहा है कि थोड़ा सा पानी पी लेती, लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ी देर बाद तो सो जाएंगे और सब अच्छे से हो गया। आप लोग का भी अच्छे से पूजा हो जाए और ये जो फास्टिंग है आप लोग का भी अच्छे से बीते। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक किया था वो भी शेयर कर दे रही हूँ। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को फुल वॉच करें। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, किसी भी रीज़न पे अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। जी हाँ, अब मैं ब्लॉग करना शुरू कर दी हूँ। बाय। All I've seen.